विधायक पर सरकार का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। हमें मिली जानकारी के मुताबिक संसद के शीतकालीन सत्र में इस बिल के ड्राफ्ट को पेश किया जा सकता है। इस बिल के तहत एक बार में 3 तलाक देने वालों को 3 साल की सजा का प्रावधान है। इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता असीम मनचंदा जुड़ गए हैं। असीम, 3 तलाक पर सरकार शिकंजा कसने जा रही है, तो क्या है इस ड्राफ्ट बिल में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में ट्रिपल तलाक को अवैध जो है वो करार दिया था। उसके बाद सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर एक कमेटी जो है वो बनी थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट के आधार पर जो एक ड्राफ्ट बिल जो है वो तैयार किया गया है। इस ड्राफ्ट बिल में यह कहा गया कि अगर कोई भी ट्रिपल तलाक जो देता है तो उसके लिए उसको 3 साल की सजा जो हो सकती है। उसके अलावा जुर्माना जो है वो भी किया जा सकता है। साथ साथ एक नॉन अवेलेबल ऑफेंस होगा और साथ ही साथ उसको गुजारा भत्ता जो है वो भी देना पड़ेगा। तो इसको इस पर जो है राज्यों से राय जो है उनकी मांगी गई है। राज्यों की राय मिलने के बाद सरकार का इरादा इसको संसद के सत्र में लेकर के आने का है। अगर एक बार ये बिल जो है वो तैयार हो जाता है तो उसके बाद कोई भी अगर ट्रिपल तलाक देगा तो उसके लिए 3 साल की सजा का प्रावधान जो है वो किया जाएगा।